तो इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर का जो रीमेडिकल है वो कंटिन्यू अलग अलग सेंटर पर आपका हो रहा है। गुवाहाटी में थोड़ा सा सिचुएशन आपका ख़राब है, पुराना रिपोर्ट्स देखकर ही किसी को बाहर किया जा रहा है। गुवाहाटी का हम केवल बात करें, हर सेंटर का कहानी नहीं है। अभी कानपुर का आपको रिव्यू हम शेयर करने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतर सेंटर हमको लगा, अभी तक का सबसे बेस्ट रीमेडिकल का जो सेंटर हमको कानपुर लगा। यहाँ पर कार्ड काफ़ी ज़्यादा दिया जा रहा है, 30 में से जो कल कार्ड मिला है 22 कार्ड लड़कों को दिया गया है। और जो कार्ड मिल रहा है ऐसे नहीं कि 20 दिन 40 दिन, सॉरी आपका इतना दिन नहीं लगता है, 10 दिन 15 दिन वाला कहानी नहीं, MH में जाने के बाद 10 15 दिन अलग अलग जगहों पर ऐसा हो रहा है, बट ऐसा है यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको कार्ड जो दिया जाएगा नेक्स्ट डे, मतलब कि और जो वेट वाला पॉइंट होगा कानपुर में, सेम डे आपको शाम को ही कार्ड दे दिया जाएगा। तो कानपुर में बहुत ही बेहतर मेडिकल हो रहा है, ठीक। मतलब कि गोरखपुर वाले जो लड़के हैं जिनको री मेडिकल मिला है उनका तो कानपुर में होने वाला है, और कानपुर में जो री मेडिकल हो रहा है काफ़ी शानदार हो रहा है। अगर आपका कानपुर में री मेडिकल पड़ा है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बहुत ही बेहतर सेंटर है। और उसके पिछला वाला जो दिन था ना उसमें मिला कुल मिलाकर 26 ग्रीन कार्ड, मतलब कि चार ही लड़के अनफिट हुए थे, कल मिला 22, उसके पिछला दिन 26, और ऑलमोस्ट जो पॉइंट है ना आपका, इस लड़का का जो कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, राजस्थान से लड़का बिलोंग करता है, बेटा फेज टू क्लियर हुआ था, और अभी इसका री मेडिकल कल ख़त्म हुआ है, जाकर कानपुर में कार्ड वगैरह लेकर भाई घर पर पहुंच गए हैं बढ़िया से, और हमसे कांटेक्ट में जुड़े हुए थे। 6 पॉइंट था इनका, मैंने सारा डिस्कशन कर लिया था टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर बात भी होता रहता था और नंबर वगैरह सब था। तो यहाँ पर इन्होंने रिव्यू जो शेयर किया वो आपको हम सुना देते हैं कि कितना कार्ड क्या है क्या नहीं, कौन सा पॉइंट क्लियर हुआ, आप खुद सुन लीजिए। बता दो रिपोर्ट क्लियर हुआ, क्लियर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हाँ, मेरे मेरा 22 को था रिपोर्टिंग। अच्छा, कानपुर में रिपोर्टिंग 22 को हुआ, तुम्हारा 30 में से 22 ग्रीन कार्ड हो गया। 30 में से 22 ग्रीन कार्ड और बाकी 8 रेड कार्ड रहे। हाँ, मेरे 6 फॉर्म से 6 के थे, एक दिन में क्लियर हो गए। अच्छा, पॉइंट्स अपना बता दो कि कौन कौन सा पॉइंट था। ईसीजी था, CVS, वेट वाला, हीमोसिस, कलर कलर का था, वर्सी कलर एलर्जी वाला। अच्छा, ये थे 4 6 पॉइंट थे मेरे। अच्छा, एक दिन में चेक हो गए, दूसरे दिन ग्रीन कार्ड दिया। अच्छा, और ईसीजी मेरा अब नॉर्मल आया था, और फिर पता नहीं सर ने नॉर्मल कर दिया सबका। अच्छा, और पिछला दिन कितना मिला था, जैसे कि बात तुम्हारा जो पिछले जो दिन का हुआ था, 26 ग्रीन कार्ड मिले थे पिछले। 26 ग्रीन, ओनली 4 ही रेड कार्ड गया, 4 रेड कार्ड मिले थे, 2 टेस्ट वाले थे जिनका टेस्ट एक्सपेंशन नहीं हुआ था 5 सेंटीमीटर, एक ईसीजी का था अनफिट किया, 4 में से एक का पता नहीं। चलो बढ़िया है, बाकी मतलब ओवरऑल सारा पॉइंट्स क्लियर हुआ है, सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। वो एक तो DNS मॉडरेट DNS था उसका, वो नहीं हुआ। अच्छा, एक अंडरवेट था 9 kg, वो नहीं हुआ। अच्छा, ये नहीं हुआ, और तो इसका एक का थंब कटा हुआ था, थोड़ा मुड़ा हुआ था, तो वो उनको उसको और हाइड्रोसील ऑपरेशन वाला भी फिट हुआ है। फिट हुआ है असिस्टेड निपल हाइड्रोसील वाला फिट हुआ है। और ये जो मतलब कि और क्या मतलब बोलते हैं, और एक और पॉइंट था शायद आई में, 3 में से 2 फिट हुआ है, विजन और एक और बाकी सब तो हो ही गया, बस यही था। ऑर्थो में सारे फिट हुए, एक को छोड़कर 12-13 में एक को अनफिट किया है, बाकी सारे फिट है। और एक का ज्यादा 6-7 kg वेट था, तो वो भी फिट ही हो गया, वो भी फिट, ओवरवेट था वो 6-7 kg, वो भी फिट हो गया। आगे चल जाओ भाई, आगे चल जाओ, सर ने बोला कि ज्वाइनिंग तक सही कर लेना। और ये जो दवा जो बताए थे, जो ये वाला CVS ECG वाला, ये वर्किंग है कि नहीं? होती है, अच्छा काम करती है भाई। अच्छा, जाओगे आराम से लेके, 1-2 घंटे में लेके जाओ, आराम से हो जाएगा क्लियर। टेंशन ECG में बिल्कुल नहीं लेनी है, आराम से जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कानपुर सबसे अच्छा सेंटर है। बढ़िया, बस यही पूछना था, बाकी अब कुछ है नहीं लेने के लिए, बस क्लियर हो ही रहा है पॉइंट्स, मतलब मेजर वाले जो है वही। मेजर वाले नहीं हो रहे हैं। चलो भाई ठीक है, ठीक।
तो आपको सुनाई दिए कॉल रिकॉर्डिंग में, क्या बताया भाई ने कि क्लियर पॉइंट जो है कि आपका हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भगाया जा रहा है। बाकी सेंटर में देखे क्या है कि अभी जो असम में काफ़ी मतलब कि नाजुक हालात है ईसीजी वालों का, 40-40 लड़के बाहर हो रहे हैं असम में, पुराना रिपोर्ट देख कर ही उनको भगा दिया जा रहा है, किसी का नॉर्मल आने के बाद भी भगाया जा रहा है, तो असम में हमको बेहतर नहीं लगा। बाकी सेंटर आपका बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी की सेंटर, मतलब जहाँ पर भी री मेडिकल अभी चल रहा है, केवल हम असम पर सवाल खड़ा करेंगे, जहाँ पर आपका री मेडिकल हो रहा है वहीं पर हमको सवाल खड़ा करना है, क्योंकि वहाँ पर बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक, लड़के फंस गए जिनका गुवाहाटी में फेज 2 हुआ ना, वो लड़के फंस गए वहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से री मेडिकल में उनके साथ किया जा रहा है वो बेहतर हमको नहीं लगा। बाकी आपका जो गोरखपुर सेंटर है, कानपुर सेंटर है, ये सब सेंटर काफ़ी बढ़िया जा रहा है, प्रयागराज भी बेहतर जा रहा है, हर जगह आपका सही है। बस एक हम जो कि असम का जो री मेडिकल है उस पर हम सवाल खड़ा करेंगे, क्योंकि वहाँ बेहतर नहीं हो रहा है, लड़कों से अच्छे से नहीं किया जा रहा है, काफ़ी सारे लड़के निराश हैं। गुहा जो आपका चल रहा है गुवाहाटी के अंदर में, जहाँ पर भी चल रहा है री मेडिकल, ठीक, अलग अलग सेंटर पर वहाँ पर हो रहा है, तो जिनका अभी फेज 2 गुवाहाटी गुजरा उनके लिए मतलब कि बहुत ही बेकार। अभी देखिए क्या हो रहा है, कानपुर में एबनॉर्मल आने के बावजूद भी लड़के फिट हुए हैं ईसीजी के अंदर में, ठीक, एबनॉर्मल ऐसा नहीं कि अब बात देखिए, पहला बार चेक हुआ इसका भी नॉर्मल नहीं आया था, इस जो लड़का है 2-3 घंटे बाद वो टैबलेट लिया था, उसके बाद दोबारा चेक हुआ नॉर्मल आ गया, फिट हो गया। अब बहुत सारे ऐसे एक दोनों मतलब कि होता है क्या कि एब नॉर्मल आ जाता है, कभी नॉर्मल आ जाता है। ईसीजी देखिए होता है क्या कि आपके हाथ में नहीं होता है, ईसीजी के आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब होगा क्या कि अभी देखा जाता है कि कब नॉर्मल आ रहा है, कब एब नॉर्मल आ रहा है, कितना बार एब नॉर्मल आ रहा है, कि लगातार ही एब नॉर्मल आ रहा है। अब बहुत ऐसे लड़के होते हैं जिनका लगातार एब नॉर्मल ही आते जाता है, तो इस कंडीशन में उनको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। और बहुत ऐसे लड़के होते हैं जिनका नॉर्मल आता है, कभी एब नॉर्मल आता है, तो कभी एब नॉर्मल तो फिर नॉर्मल, तो ऐसे लड़के पास भी हो जाते हैं, ठीक। तो जैसे कि इनका क्या था, पहले एब नॉर्मल फिर नॉर्मल फिट हो गया, तो अधिकतर लड़के ईसीजी में कानपुर में फिट किए गए हैं, सीवीएस में फिट किए गए हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि हाइड्रोसिल का सर्जरी तक फिट हुआ है, हाइड्रोसिल का सर्जरी करा कर लड़के गए, वो फिट हो गए। अब यहाँ पर आपसे बोला ये जाता है कि सर्जरी अगर ना भी कराए हाइड्रोसिल का, तो आजकल पानी निकाला जाता है, ठीक है, तो निकाल कर पानी आप जा सकते हैं। अब आजकल जो सर्जरी आ गया वो बहुत ही हाई क्वालिटी का भी सर्जरी, बिना ऑपरेशन वगैरह कहीं आपका हो जाता है काम, उस तरीके का भी सर्जरी है, ठीक, चीर फाड़ से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। डीएनएस का सर्जरी करा कर जो लड़के जा वो भी फिट हो रहे हैं, ठीक। जो अभी देखिए अभी कानपुर में एक मॉडरेट था वो फिट हो गया, अब एक लड़का बिना सर्जरी का ही गया था मॉडरेट में, ठीक, वो अनफिट हो गया। आ एक लड़का सर्जरी नहीं कराया था बट उसका पॉइंट मॉडरेट डीएनएस था, फिर भी फिट हो गया। तो अब ये लक पे डिपेंड करता है, आप क्या ही बता सकते हैं। ऑर्थो वाले बेहतर डॉक्टर है कानपुर में, बढ़िया आपका होगा, सारा पॉइंट क्लियर हो रहा है। एसेसरी नीपल का पॉइंट 2 लड़कों का था, एक अपने एरिया का ही लड़का था आरा से ही गया हुआ, वो भी फिट हो गया है, ठीक। अगर बोलेंगे तो उसका भी रिव्यू आपको हम दे सकते हैं, बट उसका मतलब कि अब सारा एक ही लड़के एक ही जगह पहुँचे थे, फिट कर गया, 2 लड़के थे दोनों फिट कर गए नीपल वाले में, ठीक। और बाकी सर्जरी फिट ही हो रहा है, बढ़िया जा रहा है आपका। एक टीथ वाला था रेफ़र किया गया है, बाइट का कोई दिक्कत था, ओपन बाइट वगैरह का होगा, तो वो रेफ़र हुआ है, और बाकी पॉइंट सारा क्लियर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सीरियस जो इशू है ना उसी को मतलब कि या तो रेफ़र किया जाएगा या तो आपको रेड कार्ड दिया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर जो अच्छा मतलब कि बहुत ही बेहतर लगा हमको कानपुर। बाकी आप लोग ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा किसी और सेंटर का, प्रयागराज को भी हम आपको क्लियर कर ही दिए हैं, गोरखपुर वगैरह देखते हैं बाकी और सेंटर, क्योंकि अब देखिए क्या है कि असम में जो स्थिति चल रहा है क्या बता सकते, कुछ बताने के लिए है ही नहीं, जब लड़के ही अनफिट मार रहे हैं वहाँ से, ठीक। अब देखते हैं अगर सुधार होता है वहाँ पर तो आपको हम ज़रूर बताएंगे, क्या अभी अभी आपका री मेडिकल ख़त्म नहीं हुआ, अभी चलेगा, ठीक, और 5 दिन चलने वाला है आपका, देखते हैं 4-5 दिन और है आपका, 4 या 5 दिन जिस जो भी हो आपका है, अभी आपका री मेडिकल चलेगा, तो जो रिव्यू है आपको देखने को मिलता रहेगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आपको मिलता रहेगा, शेयर करिएगा तो और दूसरे लड़कों को भी हेल्प मिलेगा, अगर वो अनफिट हुआ है मेडिकल के रिगार्डिंग कोई इशू है तो शेयर कर दीजिएगा।